अब बढ़ते हैं हरियाणा की ओर, जहां दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाने पर उठा है बड़ा सवाल, हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपको बताएं कि दुष्यंत चौटाला को जैसे कि चुनाव वहां पे समाप्त हुए, इसके बाद जननायक जनता पार्टी वहां पे एक खलनायक के रूप में उभरी और वहां पे 10 से 90 में से 10 विधानसभा सीटों पर उसने जीत हासिल की। बीजेपी और जेजेपी के बीच में जो फॉर्मूला था उसके मुताबिक यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि जेजेपी के चीफ दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। ऐसे में यहाँ पे चुनौती दी गई है इनको कि ये असंवैधानिक बताते हुए इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस संबंध में दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद जैसा कोई प्रावधान नहीं है। और हालांकि ये याचिका कुछ खास प्रभावी नहीं है, क्योंकि अगर बाकी स्टेट की बात करें तो हमने देखा कि किस तरह से बाकी स्टेट में मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है, उत्तर प्रदेश में तो दो दो डिप्टी सीएम है, तो ऐसे माना जा रहा है कि खास प्रभावी नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि चौधरी देवीलाल जब देश के उप प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, और इस समय सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति रद्द ना करते हुए साफ कहा था कि प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाता, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और इस वक्त देखिए ऐसा माना जा रहा है कि ये जो यहाँ पे याचिका दाखिल की गई है सिर्फ मीडिया में आने के लिए और सुर्खियां बटोरने के लिए एक्शन लिया गया है। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड।